हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पांच जबरदस्त धमाकेदार एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो डेली लाइफ में बहुत ही काम आ सकता है। इस एप्लीकेशन को आप पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। तो चलिए बिना ज़्यादा बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी मूवी को या फिर किसी काम को आपके दिमाग में रख देते हो कि बाद में उसको देखना है या फिर बाद में उस काम को करना है, या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको देखना है उसको आप बाद में देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको बाद में नहीं मिलता। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिसका नाम है लिस्टी। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मूवी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कौन सा मूवी देखना चाहते हैं जस्ट आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे मैं लिखता हूँ कांतारा, तो आप देख पा रहे हो कांतारा मूवी आ गया, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को देखना है दृश्यम टू, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दृश्यम टू, तो ये आ गया दृश्यम टू। तो मैं इस तरह से मूवी का नाम यहाँ पर लिस्ट करके रख सकता हूँ कौन सा मूवी मेरे को देखना है। और भी लिस्ट आप बना सकते हैं, आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके टू डू लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आप लिंक्स के ऊपर क्लिक करके कोई भी लिंक डाल सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब से एक लिंक लेके यहाँ पर डाल दिया, बाद में मेरे को ये यूट्यूब वीडियो देखना है। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन पीसी का जो गेम होता है वो आप मोबाइल में कैसे खेलेंगे? मान लीजिए 500 GB का गेम है, 400 GB का गेम है, वो आप मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे प्ले करेंगे? आप नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप पीसी वाले गेम को मोबाइल में खेल सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए आपका डेटा जो 1 GB 1.5 GB डेटा जो भी है उसमें ही आप खेल सकते हैं। उसके लिए आपको 500 GB डेटा 400 GB डेटा का ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे बड़ा बड़ा गेम है जो पीसी में चलता है वो मोबाइल में चलेगा। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल कर लेना है जियो गेम्स। ये जो जियो गेम्स है इसमें बहुत सारे आपको गेम मिल जाता है जो पीसी में हम लोग प्ले करते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लाउड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जितना भी बड़ा बड़ा गेम होता है 500 GB 400 GB 600 GB सारा गेम यहाँ पर दिया गया है, पीसी वाला गेम आप यहाँ से ऑनलाइन खेल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई कीजिए। अभी प्रेजेंट डेज में बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं, स्मार्ट बैंड का यूज़ करते हैं ताकि उनको पता चले वो कितना स्टेप चला, कितना कैलोरी बर्न हुआ। लेकिन मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका रेटिंग है 4.9, वो बहुत ही मतलब एक्यूरेट कितना स्टेप आप चले हो वो बता देता है। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल कर लेना है स्टेप काउंटर। आप देख पा रहे हो एक दिन में आप कितना स्टेप चले हो, उसके बाद आप यहाँ पर डेली का देख सकते हो, टुडे संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आप देख पा रहे हो कितना कैलोरी आपका बर्न हुआ, आप वो भी यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका मोबाइल का जो होम स्क्रीन है वहाँ पे आपको पता चल जाता है आप कितना स्टेप वॉक कर रहे हो। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको ऑन करके आप खाली पॉकेट में रख दीजिए, ये काउंट होता रहेगा और आपको पता चल जाएगा आप दिन में कितना स्टेप चल रहे हो या फिर आप कल कितना चला था, सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हैं, कितना कैलोरी बर्न हुआ सब कुछ देख सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हम लोग फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप में दिन में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कितना टाइम हमने स्पेंड किया, कितने बार हमने उस एप्लीकेशन को ओपन किया। तो ये पता करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एक्शन डैश। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको पता चल जाता है दिन में आप कितने टाइम उस एप्लीकेशन में स्पेंड किया। जैसे यूट्यूब में आपने कितना टाइम स्पेंड किया, फेसबुक में कितना टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आप यूट्यूब कितने बार ओपन किया दिन में, फेसबुक कितने बार ओपन किया, लास्ट वीक कितने बार ओपन किया था, आपने यस्टरडे कितने बार ओपन किया था, आपके मोबाइल में दिन में कितना नोटिफिकेशन आता है वो भी सब कुछ शो हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत सही स्टैटिस्टिक दिखाता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन 64 GB का हो या फिर 128 GB का हो,
तो कभी कभी आप देखोगे कि स्टोरेज फुल हो जाता है, आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं है लेकिन स्टोरेज फुल हो जाता है। तो ये जो स्टोरेज है इसको आपको एम्प्टी कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है, तो आप समझ नहीं पाते हो कैसे क्लियर करना है, कैसे स्टोरेज को आपको एम्प्टी करना है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीरो क्लीनर। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको दिखा देता है स्टोरेज कहाँ पे फुल है और जो कैश डेटा है वो कैश को भी क्लियर कर देता है। तो ये जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ शो हो जाता है। यहाँ पर जो एनालिसिस दिया गया है, ये जो एनालिसिस है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी परमिशन दिया गया है, एसेसिबिलिटी परमिशन, पॉपअप परमिशन, इन दोनों को आप दे दीजिए। उसके बाद क्लियर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो भी स्टोरेज आपका फुल है वो स्टोरेज आपका खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली काम का है। आशा करता हूँ ये जो पांच एप्लीकेशन है डेली लाइफ में आपका बहुत ही काम आएगा। तो इस पांच एप्लीकेशन को आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।